Good morning students, how are you all? I hope you all are good. So students, in today's video we are going to continue our exercise 2.4 with question number 5. In this question you have to write the smallest 4 digit numbers using these numbers. इसमें बच्चों आपको ये numbers दिए हुए हैं, जैसे कि A part है 4163, तो इन 4163 से आपको सबसे छोटा number बनाना है, ठीक है? 4163 दिया हुआ है और 4163 से आपको सबसे छोटा डिजिट नंबर बनाना है. वो आप कैसे बनाएंगे? पहले आप अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज 2.3 डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 डालेंगे और उसके बाद हेडिंग नोट डाउन करने के बाद ये लिखेंगे. सबसे छोटा नंबर कैसे बनता है? सबसे पहले आप इन चारों डिजिट्स में ये देखिए कि सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, दैट इज 1. तो आप लिखेंगे पहले 1, फिर उसके बाद सबसे 1 से बड़ी है 3, फिर उससे बड़ी है 4 और फिर उससे बड़ी है 6. तो इन चारों डिजिट्स को यूज करने के बाद जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बना वो बना 1346. ओके स्टूडेंट्स, सो बाकी क्वेश्चंस आपको सेम ऐसे ही करने हैं. सबसे पहले आप सबसे छोटा डिजिट लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा. ओके, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. तो वो आप कैसे बनाएंगे? सेम अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, हेडिंग नोट डाउन करेंगे और उसके बाद लिख लेंगे. तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो बनता है वो बनता है, सबसे पहले आप लिखेंगे सबसे बड़ी डिजिट, दैट इज 9, फिर उससे छोटी हो गई आपकी 8, फिर उससे छोटी हो गई आपकी 5 और फिर सबसे छोटी हो गई आपकी 0. ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको पहले सबसे छोटी डिजिट लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी. और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको पहले सबसे बड़ी डिजिट लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर. क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी जो पार्ट है वो आपको खुद से करने हैं अपनी नोटबुक में. फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, चेंज द पोजिशन ऑफ द डिजिट इफ नेसेसरी टू गेट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर. ये भी आपको अपनी नोटबुक में करना है और क्वेश्चन नंबर पूरा 7 नोट डाउन करने के बाद ए पार्ट लिखेंगे. तो इसमें आपको लिखा हुआ है कि 6457 लिखा हुआ है, लेकिन आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगा? ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा, पहले आप लिखेंगे इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ी डिजिट हो गई 7, तो ये 7 हो गया, फिर उसके बाद 6 हो गया, फिर उसके बाद 5 हो गया, फिर उसके बाद 4 हो गया. तो ये हो गया सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का, इन नंबर्स को यूज करके इसमें आपको सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. तो आप ऐसे ही इनकी पोजीशंस आप चेंज कर सकते हैं ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए. तो जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने लास्ट वाली जो डिजिट थी 7 वो फर्स्ट में लिख दी, जो फर्स्ट में थी वो सेकंड में लिख दी, जो थर्ड पे थी वो थर्ड पे ही रहने दी और जो सेकंड पे थी वो मैंने फोर्थ पे लिख दी, फोर्थ नंबर पे लिख दी और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो बनकर आ गया. अब क्वेश्चन नंबर 8 में राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ओनली 1 डिजिट. आपको एक ही डिजिट को यूज करते हुए 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनाना है, तो वो कौन सा होगा? वो होगा 9999. ओके, 9999 जो है वो सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर है. ठीक है, यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स, आपको डिफरेंट डिजिट्स यूज करते हुए सबसे बड़ा नंबर बनाना है. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 9876. तो ये मैंने सारी डिफरेंट डिजिट्स जो हैं वो यूज की और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर वो बन गया. फिर यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स विद 3 एट 100 प्लेस. अब इसमें 100 प्लेस पर 3 आना चाहिए और डिजिट्स जो हैं वो भी डिफरेंट होनी चाहिए. देख सकते हैं 9387. अब ये चारों डिजिट्स डिफरेंट भी हो गई और इसपे 100 प्लेस पर 3 भी आ गया. 1, 10, 100, ये 100 प्लेस है और इसपे 3 भी आ गया. अब यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स विद 7 एट 1000 प्लेस. अब 7 जो 1000 प्लेस है उस पर 7 आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया? यहाँ पे हमने 7 लिखा और डिजिट सारी डिफरेंट यूज करनी है, तो 7, 8, 9, 8, 6. ठीक है, ये हो गया. अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 राइट, क्योंकि इसमें 7000 प्लेस पर पूछा था तो हमने 7 जो है वो 1000 प्लेस पर रख दिया. राइट ऑल द पॉसिबल 3 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ डिजिट्स. अब यहाँ पे आपको कुछ डिजिट्स दी गई हैं एंड देन अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर. आपको इन तीनों डिजिट से हर पॉसिबल नंबर बनाना है जो कि बन सकता है. जैसे कि बन सकता है यहाँ पे 763, फिर
367, 673, 637, फिर उसके बाद यहाँ पे बन सकता है 376, 367 और 736, ऐसे ही करके आपको सारे पॉसिबल डिजिट्स नंबर बनाने हैं इसमें, और फिर इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब ये जो आपने नंबर्स बनाए हैं इन थ्री डिजिट्स से, इन तीनों डिजिट्स से जो आपने नंबर बनाए हैं उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले आप ये सारे ऐसे नंबर बना लेंगे जितने भी पॉसिबल नंबर बन सकते हैं इनसे, इन्हीं डिजिट से, और फिर उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे पहले सबसे छोटा ये हो गया, ठीक है, फिर उससे बड़ा ये हो गया, ये नंबर दो बार हो गया, आप इनको अरेंज कीजिएगा खुद से, ठीक है। फिर यहाँ पे राइट सिक्स फोर डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 8630। क्वेश्चन नंबर एट में आपको इन चार डिजिट्स से सिक्स नंबर्स बनाने हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर नाइन में इन थ्री डिजिट्स से नंबर बनाए ना, जितने भी बन सकते थे, तो आपको इस डिजिट को इन डिजिट्स को यूज करते हुए सिर्फ सिक्स नंबर बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि 8630, फिर 8603, फिर 8360, फिर 8306, ऐसे करते हुए आपको सिक्स डिजिट सिक्स नंबर्स बनाने हैं। फोर मैंने बना दिए हैं, टू आप खुद से बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडेज होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर नाइन एंड क्वेश्चन नंबर टेन। और ये चारों क्वेश्चंस, पांचों क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर बुक में ही रहने देना है। ओके स्टूडेंट्स, और राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।